नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिंग फ्रेम मशीन के पार्ट्स और थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में आपने रिंग फ्रेम के पार्ट्स का नाम देखे थे, आज के वीडियो में भी मैं पार्ट्स का नाम तो बताऊँगा, साथ में उनके पार्ट्स दिखाऊँगा भी कि कौन सा पार्ट्स कैसा दिखता है रिंग फ्रेम मशीन में। तो ऊपर से लेके नीचे तक का जो टेक्निकल पार्ट्स हैं उनको आप देखिए और समझिए। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ऊपर का पार्ट्स, जो क्रील हो गई है और जो नीचे जो लगे हुए हैं इसको बोलते हैं, ये जो क्रील है ये अम्ब्रेला टाइप क्रील है और जो बॉबिन होल्डर है इसमें हम बॉबिन को लगाते हैं, जो बॉबिन होल्डर कहलाता है, यह है बॉबिन पूरी और इसको इस प्रकार से हम क्रील में लगा देते हैं, बॉबिन होल्डर में लगा देते हैं। यह अम्ब्रेला टाइप क्रील होती है, देखते जाइए और समझते जाइए। उसके बाद जो रोड जैसी जो है इसको अपन रोबिंग गाइड बोलेंगे, ये रोबिंग गाइड है। रोबिंग गाइड के बाद हम रोबिंग मटेरियल को ट्रम्पेट में से पास करेंगे, ये ट्रम्पेट में से हमने पास किया, ये रोबिंग गाइड हो गई और ये आप देखिए इसको, ये है ट्रम्पेट। ये ट्रम्पेट जो लगा हुआ है वो ट्रेवर्स पे लगा हुआ है, जो 2 से 3 mm मूव करता है ताकि रोबिन एक ही जगह पे रफ ना हो बार बार। इसके बगल में जो लगा हुआ है ये है बेक रोलर, ड्राफ्टिंग बेक रोलर, ये मिडिल रोलर हो गया, और जो नोज बार कहलाती है रॉड, ये फ्रंट रोलर ड्राफ्टिंग का। अब देखिए ये जो है ये बेक टॉप रोलर हो गया ड्राफ्टिंग का, इसके बाद ये मिडिल टॉप रोलर हो गया ड्राफ्टिंग का, और ये फ्रंट टॉप रोलर ड्राफ्टिंग सिस्टम का हो गया, ठीक है। ये एप्रोन कहलाता है, इसमें ये एप्रोन लगा हुआ है, ठीक है, ताकि उसको सही रास्ता मिले। इसको बोलते हैं स्पेसर, इसका भी प्रमुख कार्य है। यह स्पेसर जो है ये क्रीडल में लगा हुआ होता है, जो क्रीडल में जब हम नीचे प्रेशर आर्म के द्वारा क्रीडल को नीचे रखते हैं, ड्राफ्टिंग जोन पे रखते हैं, या ड्राफ्टिंग जोन के बेक रोलरों पे क्रीडल को रखा जाता है, तो जो स्पेसर है ये बीच में लगा हुआ होता है और आजू बाजू से रोबिंग निकलती है, ड्राफ्टिंग होती है। तो ये इतना mm में हम गेप रखते हैं स्पेसर का, 1 mm का होता है स्पेसर, एक उसका भी डाया होता है 3.4 mm का, इस टाइप से होता है। तो ये बीच में लगा हुआ होता है और जब इसको हम क्रीडल के बीच में लगा के क्रीडल को ड्राफ्टिंग जोन में नीचे रखते हैं तो ये एक दूरी बना के रखता है ड्राफ्टिंग जोन, ताकि जो क्रीडल है वो ड्राफ्टिंग जोन पे फुल प्रेशर से ना दबाव रखे, नहीं तो ड्राफ्टिंग ही नहीं हो पाएगी। तो हल्का mm में वो इतना गेप रखेगा कि ड्राफ्टिंग अच्छे से हो सके और हमारा मटेरियल नीचे की ओर आ सके ना, उसको एक रास्ता मिल सके मटेरियल को। स्पेसर का बहुत प्रमुख कार्य है यहाँ पे। जो क्रीडल होती है, क्रीडल पर एक प्रेशर होता है जिसको न्यूमेटिक प्रेशर बोलते हैं, जो हवा का दबाव होता है, तो हवा का दबाव ड्राफ्टिंग जोन पर दिया जाता है प्रेशर क्रीडल के द्वारा। तो ड्राफ्टिंग रोलर और क्रीडल में भी टॉप ड्राफ्टिंग रोलर लगे हुए हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वो स्पेसर मेंटेन करता है, ये स्पेसर का काम है प्रमुख, इसलिए इसको लगाया जाता है। इसके बाद टॉप ड्राफ्टिंग रोलर के नीचे सक्शन ट्यूब है, ये जब रोबिंग किसी कारण से टूट जाती है तो इसको ये सक कर लेता है इसमें लगे हुए। फिर उसके नीचे बात करें तो ये है लेपेट, ये लेपेट आइस है, इसमें से धागा पास होता है, लेपेट और लेपेट आइस, ये सेपरेटर कहलाते हैं, इसमें अलग अलग बोबिन के लिए लगा के रखता है ताकि एक दूसरे बोबिन टकराए ना, टूटे ना धागा। ये हो गई पूरी रिंग और रिंग पे लगता है छोटा सा ट्रेवलर्स। इसी रिंग और इस ट्रेवलर के कारण ही इस मशीन का नाम रिंग फ्रेम मशीन रखा गया है। अब ये ट्रेवलर की कोई स्पीड नहीं होती, ये रिंग पे लगा हुआ होता है
बीच में रिंग के बीच में स्पिंडल लगा हुआ होता है, स्पिंडल को स्पीड दी जाती है। अब आप इस प्रोसेस को कुछ इस प्रकार से समझिए कि यदि हमने किसी धागे को या किसी भी चीज़ को एक स्थान पर होल्ड किया है और एक स्थान से हम उसको स्पिन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उस चीज़ पर, उस मटेरियल पर ऑटोमेटिक ट्विस्ट आने लगेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि ऊपर का जो जोन है, ड्राफ्टिंग जोन का फ्रंट रोलर मटेरियल को होल्ड किया है, स्पिंडल पे बोबिन लगी हुई है और बोबिन एक डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। तो बोबिन के द्वारा जो मटेरियल है उसको हम टेबलर में लगाते हैं या बोबिन पे, बोबिन का जो यान है उसको टेबलर से निकाल कर हम जो रोबिंग ड्राफ्ट होके आ रही है उसमें लगा देते हैं, पिसिंग कर देते हैं, उसको पिसिंग करना बोलते हैं। जैसे ही हम पिसिंग करते हैं तो जो स्पिंडल पे लगी बोबिन है और जो बोबिन घूम रही है, उस घूमती बोबिन के कारण हम जो ट्रेवलर लगा हुआ है रिंग पे उस पर एक फोर्स आता है, दबाव पड़ता है घूमने के लिए, ठीक है। क्योंकि बोबिन घूम रही है, बोबिन पे थोड़ा बहुत हमने पिसिंग करके यान लगा के रखा है और वो यान प्रेशराइज कर रहा है ट्रेवलर को घूमने के लिए, ऊपर की ओर होल्ड किया हुआ है मटेरियल को, ठीक है। तो एक स्थान पे हमने किसी चीज़ को पकड़ा और एक स्थान पे नीचे से घुमाया तो ऑटोमेटिक उस पर TPI आने लगेगा, ट्विस्ट आने लगेगा। ये पूरा ऑपरेशन है, ये ट्विस्टिंग का ऑपरेशन हो गया पूरा। अब यहाँ पे जो रिंग लगी हुई है, ये जो रिंग होती है रिंग फ्रेम में, वो रिंग रेल पे लगी हुई होती है, उसका नाम है रिंग रेल। यहाँ पे काफ़ी रिंग लगी होती है सेपरेटर के बीच में, और एक एक स्पिंडल की एक एक रिंग हो गई, और जो जो अप डाउन हो रही है ये रेचेड व्हील और लिफ्टेड व्हील का कमाल है। ये पूरा रिंग फ्रेम मैकेनिज्म होता है, इसमें रेचेड व्हील जो होता है वो वाउंड, मतलब जो यान है बोबिन पे बाउंड होता है उसका काम है रेचेड व्हील का बाउंड करवाना, और जो लिफ्टेड व्हील है वो रिंग रेल को अप और डाउन करवाने का काम लिफ्टेड व्हील का होता है। ये पूरा मैकेनिज्म है रिंग फ्रेम का, गेयरिंग के द्वारा हम उसको कैलकुलेट करके उतने तीत का गेयर लगा देते हैं ताकि वो अप डाउन होती रहती है। अब यहाँ पे स्पिंडल स्पीड और ट्रेवलर की जो स्पीड है उसमें वेरिएशन होता है, क्योंकि अगर एक ही स्पीड पे सेम स्पीड पे रहेगा तो बाउंड करने में यान को दिक्कत आएगी, एक ही स्पीड पे बाउंड नहीं हो पाएगा ठीक से, इसलिए स्पीड वेरिएशन रहता है। क्योंकि वैसे भी जो ट्रेवलर है वो भी फोर्स से घूम रहा है यान के, अब अपन, और ये रिंग रेल हो गई जिस पे रिंग लगी हुई है, ये पूरा जो है रिंग रेल, ये स्पिंडल हो गया, आप देख सकते हो स्पिंडल को, और ये जो है ये बेल्ट है जिससे स्पिंडल घूमता हुआ है, ये ब्रेक है इससे स्पिंडल रुक जाता है। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर टीन रोलर है और जो कि पुली लगी हुई है। अब टीन रोलर, जो कि पुली या टेंशन पुली को समझने के लिए आप साइकिल का मैकेनिज्म को समझिए कि किस प्रकार से एक चेन के द्वारा पीछे का टायर भी मूव करता है और आगे का टायर भी मूव करता है। ठीक उसी प्रकार जो रिंग फ्रेम मशीन है उसमें दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों साइड स्पिंडल होते हैं, तो एक बेल्ट के द्वारा हम चार स्पिंडल को आसानी से घुमा सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख भी रहे हो, एक फ्रंट का हो गया, एक बैक वाला हो गया, और रोलर एक लगा है बीच में, टेंशन दिया हुआ है जिससे घूम रहे हैं, तो ये स्पिंडल को घूमने का इस प्रकार से ड्राइव मिलती है घूमने के लिए। आज के वीडियो में आपने डायफ्रेम के ऑब्जेक्ट को आसानी से समझ लिया है किस, और पूरा पैसेज भी समझ लिया कि किस प्रकार से रोबिंग आती है, किस किस पार्ट से होके गुजरती है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग जोन से आती है, वो अपना ऑब्जेक्ट हो गया ड्राफ्टिंग करना, उसके बाद ट्विस्टिंग कैसे होती है वो आपने देख लिया, उसका लिफ्टिंग का आपने देख लिया है, लेयरिंग का देख लिया किस प्रकार बाउंड होती है, और किस प्रकार से रोबिंग से यान में कन्वर्ट होता है। तो ये रिंग फ्रेम मशीन का मेन ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से पूरी रिंग फ्रेम मशीन का पैसेज बनाया जाता है और एक एक पैसेज में एक एक पार्ट्स के नाम को दर्शाया जाता है। अब यदि कुछ टेक्निकल डाटा की बात करें
तो टेक्निकल डाटा आप देख सकते हो चित्र में कि एक मैंने मशीन का उदाहरण लिया है, जिंसर RM351। ये एक रिंग फ्रेम मशीन का नाम हो गया है। इस रिंग फ्रेम मशीन में समथिंग 1200 स्पिंडल होते हैं। इसमें मैंने सब कुछ बताया कि किस प्रकार कौन सी ड्राफ्टिंग सिस्टम का यूज़ है, 3x3 का, 3 रोलर ऊपर 3 रोलर नीचे, इसको 3x3 ड्राफ्टिंग सिस्टम बोलते हैं। डाया को शो किया है टॉप रोलर डाया को MM में, बॉटम रोलर डाया को MM में शो किया है। लोडिंग को शो किया है कि क्रिडल पर कितना प्रेशर दिया जाता है, न्यूमेटिक प्रेशर। साइज टॉप एप्रोन साइज MM में शो किया है, बॉटम एप्रोन साइज को MM में। रिंग डाया को की बात की जाए तो 54 mm का रिंग डाया इसमें लगाया जा सकता है। लिफ्टिंग की अगर बात की जाए तो जो अप डाउन लिफ्टिंग, लिफ्ट मतलब अप डाउन होना, तो 238 mm तक ऊपर नीचे ये अप डाउन हो सकती है। इसमें अगर हैंग फीट की बात की जाए तो 0.50 इंग्लिश काउंट तक इसमें फीट किया जा सकता है, रोबिंग फीट की जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए डालता रहूं। वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।